तो लेपर्ड ने लेडीज को यहाँ पे अटैक। अब ये देखो एक ये रहा, एक उसके नीचे है गोल गोल से, देखो जंगली अंगूर इसको हम खाते हैं। पापा की परी है तो? पापा की परी है। लो भाई यहाँ बैठ चुके हैं दोनों के दोनों। भाई सब बच गए, देख लिया मैंने उसकी आंखें। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो गाइस नए वीडियो की नई शुरुआत कर लेते हैं और शाम के बज चुके इस टाइम पे आपके 4:30। और आज भाई हम नाइट कैंपिंग करने वाले हैं अपने घर के ही सामने। अब ये मतलब ना घर के सामने भाई क्या करना है, बहुत ही खतरनाक सीन है यहाँ पे अपने इधर। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंपिंग होने वाली है। ये पूरा घर के सामने रोड पार करते हुए पूरा जंगल लगता है, पूरा जंगल का एरिया है सामने ही। भाई पूरे गुलदार घूमते हैं, शाम होते ही तेंदुए भाई नीचे आ जाते हैं। तो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा यार आज घर में बनाऊँ नाइट का पूरा, और नाइट वहीं बताएंगे ऊपर ही देखेंगे और दिख गया तो, क्योंकि दिखने के चांस ज़्यादा रहते हैं ना। तो भाई साउंड तो इतना आता है ना बहुत ज़्यादा भाई यहाँ पे सामने से, बहुत ज़्यादा दिखेगा तो आपको जरूर दिखा देंगे। और आपको दिखाते हैं किस एरिया में अभी टेंट लगाऊंगा मैं, और एरिया ही बताऊंगा कैसा एरिया है। जो मेरा ब्लॉग देखता है, मैंने आसपास का अपना गांव दिखा रखा, तो भाई आपको पता ही होगा कैसा जंगल है हमारे, खतरनाक है भाई बहुत करना। तो अभी दिखाएंगे, अभी थोड़ी देर के बाद बाहर चलते हैं, उसके बाद दिखाऊंगा कि कहाँ पर टेंट लगाने में कहाँ पर लोकेशन है। तो लो भाई अब मैं आ चुका हूँ इस टाइम पर घर के बाहर, और शाम के बज चुके हैं इस टाइम पर 5:42। और इस टाइम पर हूँ भाई अपने पैर वाले घर पर, पुराने वाले पर, और बताता हूँ मैं कहाँ पर कैंप लगाऊंगा मैं। अब यहाँ पे लगाऊं या नीचे खेत पे लगाऊं, और सामने आप देख रहे होंगे देखो ये पूरा जंगल है, ये लग रहा है ना यहाँ पे मकान, ये रोड है, ये जंगल यहाँ पर बैठा रहता है। देखो लेपट हो, ये दीवार है यहाँ पर, अभी दिखाता हूँ आपको और चीज़ भी बताऊंगा। यहाँ पे कुछ घटना भी हुई थी लेपट के कारण कुछ साल पहले। तो ये देखो भाई ये पूरा जंगल अपना, ये अपना गाँव है पूरा साइड, ठीक है, और ये अपना घर है, यहाँ से लगता हुआ है देखो जंगल, पूरा जंगल ही जंगल है देखो। और अब तो ज़्यादा घना हो गया बरसात के बाद। और कहाँ पर रहता है लेपट बैठा हुआ बताता हूँ, ये दीवार दिख रही है, ये पूरी जंगलात की दीवार है, ये सामने सामने आप देखो अंदर हो गए ना पूरी, तो अब झाड़ी के कारण दिख नहीं रहा है। यहाँ पर भाई गुलदार बहुत बार देखा हमने, काफ़ी बार तो भाई यहाँ उतर जाता है नीचे इस खेत पे, और उधर चले जाते तो बगीचा है वो देखो आम के पेड़, और तब बताऊँ क्या होता है। और इलाका भी भाई काफ़ी डेंजर है अपना यहाँ, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पिछले बार कम से कम 2-3 साल पहले यहाँ पे हादसा हुआ था, लेपर्ड ने लेडीज़ को यहाँ पे अटैक कर दिया था, तो डेथ हो गई थी उसकी लेडीज़ की। ये सामने बगीचा है, तो बगीचे में रहते थे, तो सुबह के टाइम जैसे कि लोग गाय पिजाते हैं ना, तो गाय पिजाने गई थी, मगर वो गाय समझ गई कि यहाँ पे कुछ चीज़ है, तो गाय अपना केला तोड़ के वो भाग गई थी खेत की तरफ। तो उसका पीछा करने में लेडीज़ गई, क्योंकि दूध भी निकालना था, क्योंकि सुबह का टाइम हो ही गया था। तो पीछे गई तो गाय तो समझ गई भाई कुछ ना कुछ चीज़ खतरा है, तो उस लेडीज़ को पता नहीं चला कि यहाँ पर गुलदार है। तब यह हुआ कि उस गुलदार ने मतलब घात लगा के बैठा था, तो उसने भाई पीछे से अटैक कर दिया लेडीज़। और जिस टाइम हम आसपास के लोग गए थे ना, जब आवाज़ सो रहा था, तो उस टाइम पे भाई सुबह सुबह का ही टाइम था, वो उस टाइम मैं सो रहा था, एकदम आवाज़ आई भाई उसको लेडीज़ को पग गुलदार ने मार दिया मार दिया मार दिया, ऐसा हुआ। तो हम एकदम उठ के घर, जैसे हम उधर पहुंचे तो भाई वो गुलदार उधर किसी ने देखा ना साइड से, तो उन्होंने देखा कि गुलदार उधर से भाग रहा था उस साइड से नीचे से। तो तब उसके बाद हम थोड़ी देर के बाद हम ढूंढने गए सब, तो मिले नहीं एकदम, तो उनके दूसरे साइड से पल्ले साइड उधर से मैं भी गया था ढूंढने के लिए, मगर एकदम दिखे नहीं, घास के अंदर थी उनकी बॉडी पड़ी। तब वो जो उनके हस्बैंड थे उनको मिला, उसके बाद मैं भी उनके साथ साथ चल रहा था, तो तब पता चला कि वहाँ पर भाई तो उनकी डेथ हो गई थी वहाँ। तो ज़्यादा दूर का भी नहीं है, मैंने बता दिया सामने देखो ये बगीचा है, यहाँ पर सामने आम का बगीचा है, यहाँ पर ही था, किराए में रहते थे यहाँ पर। तो भाई ये पहला केस हुआ था अपने इधर ऐसा, मगर वो आया किस चीज़ के लिए, पकड़ किसी चीज़ को दिया, ऐसा हो गया था। तो देखते हैं आज यहाँ पर लगाएंगे, आप देखेंगे आज यहीं लगाएंगे छत पर ऊपर, आइए आपसे देखिए। वैसे दिक्कत तो कुछ नहीं आती इतनी अपने सामने, तो भाई हम रोज़ देखते हैं यहाँ पर इसी दीवार पे बैठा रहता है टॉर्च मार के, कभी लाइट पे एकदम कभी आता तो है नहीं, तो देखते हैं आज दिखता है, क्योंकि पूरा एरिया ऐसी है खतरनाक क्या बोले। यहाँ पे लेपर्ड की संख्या भी ज़्यादा बढ़ गई, टाइगर की भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है संख्या। कभी कभी तो भाई यहाँ पे लड़ाई करते करते रोड में आ गए थे दोनों के दोनों, शाम का टाइम था ऐसे 6-7 बजे रहा, उस टाइम लड़ाई करते करते रोड पर आ गए। तो चलो फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर अभी टेंट टूंट लगाएंगे अपना, तो खाना पीना भी घर से हो जाएगा, उसके बाद यहाँ सर्वाइव करेंगे अपना भाई रात के टाइम। अब दिखाते हैं आपको क्या सीन होता है रात को। और वैसे भी अपने टेंट लगाने की दो जगह तो है, वो सामने आप खेत देख रहे होंगे, और सामने ट्यूबवेल है, यहाँ पर लगा सकता हूँ मैं मस्त हरे भरे में, ठीक नहीं है। सांप सोप की बहुत दिक्कत है, यहाँ सांप घूम रहा है बहुत मोटा, काफ़ी टाइम से घूम ही रहा हो पिछले साल से, ब्लैक कलर कोबरा कोबरा बेकार होता, लगाना था एकदम यहीं लगाएंगे अपने छत पर, यहाँ पर काफ़ी स्पेस भी है, बढ़िया भी है। अब देखते हैं ठंडा भी हो गया, बढ़िया है, और सनसेट होने वाला आप देख रहे हो, ऑरेंज दिख रहा है मेरे पीछे। तो अब थोड़ी देर के बाद मैं भी यहाँ पर टेंट लगा दूंगा अंधेरा होते होते, तब तक अपना काम कुम निपटा देते घर का। और ये लो भाई गाय के लिए भुस्सा भी खा दिया है, और ये अपनी खीरे की बेल है देखो, खीरे की बेल लगा रखी थी मैंने अपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, ये अब इस टाइम पे हो भी रहा है, हमने खा भी लिए हैं काफ़ी। अब ये देखो एक ये रहा, ये देखो ठीक है,
एक उसके नीचे है और एक उस सामने है। हो जा रहे हैं मगर फिर बंदर भी जा रहे हैं, बंदर से भी दिक्कत है बहुत ज़्यादा। चलो इतना चाहे भाई। और भाई इधर ये घास रखा, देखो गाय का चारा। और इसमें देखो ये ना अंगूर होते हैं गोल गोल से, देखो जंगली अंगूर, इसको हम खाते थे पहले, खट्टे होते हैं। देखो ये लगे हैं कुछ लाल सुरख कुछ ये। और वो देखो पेठे, वो देखो एक और बड़े बड़े हो गए भाई बहुत ज़्यादा, अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गए। और जूस भी बनता रहता पेठे का, बढ़िया होता भाई, सबसे बढ़िया जूस, काफ़ी ज़्यादा भाई, अब तो ज़्यादा ही हो गए बड़े बड़े हो भी। एक तो सुबह का काट के रखा होता हमने, मगर सुबह से भाई लाइट थी नहीं, दिन में ही लाइट, तब क्या बनाना था नाश्ता वास्ते, मगर अब देखते हैं अभी बना देंगे खाना खाने से पहले रात का, अभी घुमा देंगे मिक्सी में बन जाएगा। तो खाना खाना खाने से पहले एक जूस पी लेंगे फ्रेश, और उसके बाद अपना कैंप, नाइट कैंप कैसे सर्वाइव होगा इस खतरनाक जंगल के सामने। तो गाइस भाई रात को भी भाई एक प्रोग्राम होने वाला है, क्या होने वाला है बाद में बताऊंगा, ठीक है अभी नहीं, सरप्राइज़ है, तो बाद में देखना क्या होने वाला रात को ख़तरनाक। अभी मैंने ताई जा रही है, देखो सामने जा रही होगी ताई, वो जा रही है अभी दूध लेने जा रही है उनकी लड़की नीचे, तो वहाँ दूध लेके आएगी अभी थोड़ी देर में, तो तब करेंगे हम प्रोग्राम, मस्त होने वाला है रात को कैंप में होगा मस्त, दोनों इंटरेस्टिंग हो जाएगा ना कैंप का वेयर वो भी, जो होगा मैं बता दूंगा पता चल जाएगा आपको। लो भाई पापा की परी है पापा की परी है, पापा की परी है, पर ये गुस्सा दिलाती है, बहुत गुस्सा आता है उसको। प्रणाम कर दे पहले, प्रणाम। नमस्ते कर, नमस्ते नमस्ते, फोन चाहिए भी मु कहतरा के, तू बोलती बंद हो गई अब, हां बोलती बंद हो गई इसकी, ले ले पकड़ फोन, पकड़ फोन, पकड़ पकड़ ले, इच इच को दे दो, ले दे दो, मांग ले, मांग ले तो मामा से पकड़ फोन, ये देखो ले ले पकड़ पकड़ पकड़। हेलो करो, हेलो मामा जी, हेलो हेलो हेलो, गाय माता को प्रणाम करो पहले, तब देंगे मामा फोन, ले। तो लो भाई पानी पूनी भर लेते हैं, इधर दाना बिक गया है गाय के लिए, थोड़ी देर के बाद देंगे गाय को, ये है अपनी गायें दोनों। तो भाई ये रहा देखो ये पेठा, ये सुबह काट दिया था मैंने, और कुछ ये रहा और कुछ ये है देखो इसके अंदर, जार के अंदर, क्योंकि सुबह लाइट नहीं थी ना इसलिए, और अब इसको बना ही देता हूँ, बना बना के अभी पी लेंगे उसके बाद डिनर करेंगे रात का। तो लो भाई एक तो बना दिया मैंने जार में था ना पेठा, तो बना दिया है देखो, अब डायरेक्ट फिर यार दिक्कत हो जाएगी, ऐसा करते हैं सीधा पहले छान देते हैं फिर दूसरा घुमाएंगे इसमें। तो चलो भाई पूरा जूस ना बना लिया है ये देखो छान के, और अपने लिए पीने के लिए निकाल दिया है, तो काफ़ी जूस बन गया भाई, पतीली में भी है इधर भी है, तो फ्रेश जूस मिल चुका अपने को, अब जूस पी लेते हैं और उसके बाद कैंप लगाने की तैयारी करते हैं। अब शाम का है, अब रात भी हो चुकी है और इस टाइम पे बच चुके हैं भाई 6:30 से तो ऊपर ही हो गया टाइम, तो अब कैंप लगाने की तैयारी करते हैं ऊपर जाके छत पे, और आपको आगे पता चल जाएगा क्या होने वाला है। तो लो भाई अपनी तैयारी हो चुकी है कैंप लगाने की, मैंने पहले इसका तिरपाल बिछा दिया नीचे का, उसके बाद सामने कैंप रखा उसको लगाऊंगा इसके ऊपर, यहाँ पर ही बिछाने का पूरा प्लान है आज, खेत पे कैंसिल इधर ही ठीक है आज। तो लो भाई ताई भी आ चुके हैं यहाँ पे, पता चलेगा कहीं के लाइए, और ये देखो ये लगा रखा मैंने कैंप, तैयारी करता हूँ बस लगाने की, अंधेरा हो गया पूरा देखो, अंधेरा अंधेरा, खोल दो अरे खोल दो यार। तो गाइस इस टाइम पर हम लगा रहे हैं टेंट, ये उसकी पूरी स्टिक, अब टेंट लगाने की शुरुआत करते हैं जल्दी से। तो लो भाई अपना टेंट लग चुका है ये देखो पूरा, ताई भी आ गए यहाँ पे, मम्मी भी आ गई, अभी प्रोग्राम होने वाला है अभी यहाँ पे टेंट में। तो लो भाई यहाँ बैठ चुके हैं दोनों के दोनों, ये देखो गाना गाने के लिए, कौन सा आज क्या बजना क्या होने वाला प्रोग्राम, भजन गाना है कि गड़े गाना गाने, हाँ। मर्जी है दोनों गा लेना, अब रेडी हो चुके हैं, टेंट भी हमारा बढ़िया से लग गया देखो, अब फुल अंधेर हो रखा वो देखो। रिद्धि सिद्धि लेके आना, रिद्धि सिद्धि लेके आना, घर में पधारो गजानंदी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंदी, मेरे घर में पधारो, चौदे जी आए गोरा संग लाए, भोला भी आए गोरा संग लाए, घर में पधारो गजानंदी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंदी, मेरे घर में पधारो, ब्रह्मा जी आए
ब्रह्माणी साथ लाए ब्रह्मा जी आए, ब्रह्माणी साथ लाए वेद को हाथ लेके आना मेरे घर में पधारो, वेद भी हाथ लेके आना मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंदी मेरे घर में पधारो। तो भाई एक तो भजन लगा दिया, भजन ना तो भाई एक भजन लगा दिया ताए लोगों ने, उन लोगों ने गणपति वाला, गणपति घर में पधारो, पहले तो गणपति का ही लगता है, ठीक है। हाँ अब दूसरा गाना गाएंगे, ये सामने ढोलक है इसमें, ठीक है, ये आ चुका है ढोलक, लो भाई ढोलक, लो भाई। तो लो भाई कुछ इस तरह से बैठे हुए अंदर, ये देखो अभी दूसरा गाना सोच रहे हैं, गजानंद वाला तो गा लिया, अभी दूसरा भी कंफर्म नहीं हो रहा कौन सा करना है। कुछ इस तरह से भाई इधर का देखो, खतरनाक अंधेर हो गया ना, अब देखते हैं आधी रात में क्या होगा। इधर तो अभी प्रोग्राम चल रहा मस्त वाला, देखो ऐसे भी होना चाहिए ना कुछ अलग से, तो इसलिए मैंने आज सोचा ये करते हैं आज। ये देखो सेट हो रखा ना मस्त, गाना गुना अपना सारा प्रोग्राम, माँ बाप मोर के साथ बिगड़ गया था, मतलब वो 5 साल था वो फिर छुट गया था, वही ब्याह हो गया था, तो वो था वो भूल गया था, तो वो सालों में घर आता वो मिलन आवल, तो खेत में गावल का बटे पूछ वो गाँव गाल में के कख म्यार घर कख म्यार गाँव से कख म्यार घर, यो चीज मतलब आता मिली वो। चलो भाई भाई गढ़वाली के लिए स्टार्ट कर देता है अब, चलो ये भूल बाटू तू कनु बिरड़ के सो बुला कै बात एक तू क्यों ना तू बते दे बुला खेत मा किले तू खेत मा किले तू माँ बाप छोटू छायो माँ बाप मोरी गे तभी भट चंदा दीदी बुण पास रे गो अपोड़ू पर्याऊ ना कैलनी पुजो मी आज देखिया दे आई गापड़ भूली क्यों कुछे तू खेतो माँ दीदी कै गो किचे मीठे अपड़ गो बालों को बाटू बते दे ऊँचा डांड काटा दीदी ऊँचा डांड काटा दीदी रुकावे गे ना गोंगलों माऊं दीदी राम रूमी के की ना गोंगलों माऊं दीदी राम रूमी के की ना ये दीदी ना बता पाता आपूड़ू कै गो किछे तू। कौन सा ये पुराना भजन छे ना, ते पुराना भजन ते लोग कोई गाए गाने ने। हां अरे नहीं नहीं सिको कोई को कोई ना यार रात सुपनो में तो। चलो भाई एक और भजन गा रहे हैं, तीन तो हो गए, एक गाना था आज, एक भजन, अरे एक और तीसरा भजन। आते मतिर सूल माँ
तो लो भाई एक और भजन गा लिया बढ़िया से रबन बहन पुरस्कार इसको बांधो बालों में जाओ स्कूल ढोला लेके चलो बढ़िया से प्रोग्राम भी हो गया यहाँ पे तायर मम्मी ने कर दिया यहाँ पे प्रोग्राम बढ़िया से नाइट कैंपिंग में। तो भाई काफी गाने गा दिए, तीन गाने हो गए, तीन भजन हो गए, एक गाना शायद है ना, तीन ही तो चार, हाँ चार हुए। रवि भी पिकअप बन गया, टाइगर लगी हुई गाना गाने पे। और देखो अभी भी आगे गाना गाना चाह रही है मगर बढ़िया मस्त हो रहा अंदर कैंपिंग में, गाने चल रहे गढ़वाली और भजन चल रहे। बढ़िया भजन आ गया, तुम फेमस हो गए, फेमस हो गए, फेमस फेमस हो गए। अब जाने वाले मुंबई, हाँ मुंबई जाओगे, मुंबई सीधा लता मंगेशकर की जगह में रामपुर कोरदार के मंगेशकर, देखो गढ़वाली मंगेशकर है लता मंगेशकर, गढ़वाली लता मंगेशकर है। अब तो गाने पे गाने भाई। तो चलो भाई बढ़िया से प्रोग्राम हो गया, ताई भी अपने घर चले गए, सामने ही घर है ना। और अब टाइम भी भाई 8:30 हो गया। अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं, तब आऊँगा मैं दोबारा से कैंप में। यहाँ कैंप मैंने ढक दिया यहाँ पे, ये देखो। तो कैंप में दोबारा से आऊँगा, दोबारा ट्राई करेंगे रात के टाइम पे, देखते हैं। यहाँ पे खतरनाक भी एरिया है भाई, यहाँ पे सामने जंगल मैंने जैसे कि बता दिया था, तो चेक करेंगे अब, देखते हैं क्या होता है रात को। तो गाना तो भाई बढ़िया से लगा होगा, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना यार। आप वीडियो देख रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो जरूर करो, और कमेंट भी करना कैसा लगा। तो चलो गाइस यार खाना पीना हो चुका है, और टाइम बाइस टाइम पे 10:20 हो गए हैं। तो अब चलते अपने कैंप में सीधा, अब दिखाते हैं हमको जो चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं हम भी, मैं भी कर रहा हूँ आप भी कर रहे होंगे। तो चलो फिर चलते हैं सीधा कैंप के लिए। तो भाई यहाँ पर मम्मी ने निकाल दिया, क्या है, सोन पापड़ी। सोन पापड़ी निकाल दी भाई, खाने के बाद सोन पापड़ी खा के चलते हैं ऊपर। अब गाइस खाना खा के मैं ऊपर ही आया, यहाँ देखो टाइम देखो, अभी भाई 10:30 रहा है, और वो देखो वहाँ पर था भाई लेपर्ड था वहाँ पे सामने, वो देखो सामने भाई लेपर्ड था यहाँ पे, वो निकल गया भाई। मैं तो जा रहा हूँ कमरे में, यहाँ जा रहा हूँ तो नीचे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, नीचे निकल रहा हूँ भाई, घर के लिए जा रहा हूँ वापस। यहाँ पर सामने लेपर्ड देख लिया, टेंट मैंने वहाँ पर लगा रखा, निकलते हैं पहले। अच्छा निकलो भाई, निकलो टाइम से, भाग लो टाइम से। ओ भाई भाई साहब मैं अभी आया हुआ, जैसे मैं ऊपर चढ़ा खाना खा के आया मैं जैसे, और अभी टाइम भाई 10:30। ओ भाई साहब वहाँ पर बैठा था उस टाइम पर, जैसे ने थोड़ी सी आवाज़ सुनी ना, थोड़ा उधर निकलने लग गया था, कहीं ताक में था नीचे उतरने के,
भाई साहब बच गए, देख लिया मैंने उसकी आंखें एकदम, भाई साहब बच गए भाई। आज तभी मुँह ऊपर नहीं चढ़ा सीढ़ी से, मैं अपन देख रहा सीढ़ी से भाई, मैं घर की तरफ आ गया नीचे। अब भाई साहब आज काम हो गया, निकल रहा हूँ मैं, अब निकलते हैं भाई टाइम से। और वो देखो अभी गुल्लार देखो आवाज़ भी कर रहा है, देखो साउंड देखो, हाँ सुनो अभी सुनना, अभी आवाज़ भी कर रहा, अभी हल्का सा कर रहा सुने। वो देखो सुनो, मैंने बोला था ना, वो देखो अब यहाँ पे सामने ऐसा भी अपनी यहाँ पे गाय है, भारी रहती सामने। अब लाइट जलाई रहती है ना, चारों तरफ लाइट है और रोड पे भी लाइट है, तो वो अंधेरे पे ही रहता है इस साइड दीवारों पे, वो इधर नहीं आता एकदम। वो जहाँ पर अंधेरा होगा वहाँ से निकलता फिर वो, जैसे मैंने बोला सामने तो हमारे इधर नहीं आता कि यहाँ पर उजाला रहता है, उधर से भी घर की लाइट, इधर से भी घर की लाइट रहती है, उधर से स्ट्रीट लाइट एकदम नहीं उतरता गुलदार, तो वो दूसरे साइड से निकल जाता जहाँ अंधेरा रहता है। चढ़ते भाई मिल गया। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ ऊपर, कोई पता नहीं कहीं इधर बैठा होगा, तो अब मैं जा रहा हूँ घर।